उसके बाद पर्संस और एक इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी दिए हैं जिसको आप सब लोग जानते होंगे, आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली। तो सब लोग न्यूक्लियर फैमिली जानते हैं, एकांत परिवार जिसको कहते हो, बट एक आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी या मॉडर्न सोसाइटी। तो ये जो पर्संस की अमेरिकन सोसाइटी को देख के लगता है बहुत सारे सोसाइटी में इस तरह फैमिली डिपेंडेंस बढ़ी है, बट उसमें जो रिलेशनशिप को देखा जाता है स्ट्रक्चर में परिवर्तन हुआ है, रिलेशनशिप को उतना परिवर्तन मतलब जो उसकी किनशिप टर्मिनोलॉजी चेंज नहीं हुआ है, बट एक स्ट्रक्चरल चेंज हुआ, एक डिफरेंट स्ट्रक्चर में एक आइसोलेटेड हुआ। सो दैट मीन्स योर स्ट्रक्चर इज सेपरेटेड फ्रॉम द रियल स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली, बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द रिलेशनशिप, दैट मीन्स जो किनशिप की जो टर्मिनोलॉजी है वो उतना परिवर्तन नहीं हुआ है। सो यहाँ पे आइसोलेटेड मीन्स यू आर स्ट्रक्चरली आइसोलेटेड। द न्यूक्लियर फैमिली हाउ दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द रियल स्ट्रक्चर ऑफ द फैमिली, जो संरचना में परिवार को हम समझते थे उस संरचना से ये हट के एक नई संरचना तरफ बढ़ रहा है, तो इसलिए उसको आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली पर्संस कहते हैं।